फिफ्थ पॉइंट आता है हमारा हैवी एंड ह्यूज बर्डन ऑफ डेट्स डेट्स का मीनिंग क्या होता है लोन उस टाइम पे जब हमारी जो कंट्री थी उसमें प्राइवेट सेक्टर का ज़्यादा रोल नहीं था प्रोडक्शन नहीं हो रहा था पैसे नहीं आ रहे थे एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा था रेवेन्यू कम था और इसी की वजह से हमारी जो कंट्री थी वो डेट रेफ़ में फंस गई थी डेट रेफ होता है हमारा लोन जिसमें लोन लेते लेते लोग फंस जाते हैं ना वो होता है ये और डेट का मतलब होता है लोन तो हमारी कंट्री ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया था फ्रॉम दी आईएमएफ वर्ल्ड बैंक और हमारे एक्सटर्नल सोर्सेज जितने भी थे और इंटरनल सोर्सेज थे हमारे जो हमारी बैंक्स वगैरह थी तो वहाँ से भी हमारी गवर्नमेंट ने जो था और हमारी कंट्री ने लोन लेना स्टार्ट कर दिया था सिक्स पॉइंट था इन एफिशेंट मैनेजमेंट ऑब्वियसली गवर्नमेंट डिडेंट फुलफिल द नीड्स ऑफ इकोनॉमी एंड कंट्री शी इट वॉज वेरी वेरी पुअर परफॉर्मेंस डन बाय द गवर्नमेंट एट दैट टाइम सो क्योंकि सब कुछ गवर्नमेंट के ही हाथों में था प्राइवेट सेक्टर को इतनी लिबरल इतनी फ्रीडम थी ही नहीं और उसकी वजह से गवर्नमेंट को सारे यू uh, नो you know, पूरे कंट्री को संभालना था सारे सेक्टर्स को देखना था तो उसकी वजह से पूरा मैनेजमेंट जो था वो हिल गया था तो इसीलिए लिए इनिफिशेंट मैनेजमेंट था सो so, मैंने आपको पूरे सिक्स पॉइंट करा दिए हैं अब हम आगे बढ़ते हैं आगे हम पढ़ेंगे क्राइसिस ऑफ 1991 नाइन्टी वन फोस्ट इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आई एम एफ एंड वर्ल्ड बैंक अगर आप संदीप गर्ग बुक को यू नो फॉलो करते हैं या फिर हमारे एन में भी ये टॉपिक दिया हुआ है मैं आपको पूरा बुक में से ही करवा रही हूँ एक भी टॉपिक नहीं छोड़ूंगी मैं ओके okay? सो so, हम इसमें देखते हैं कि इसमें क्या है क्राइसिस ऑफ नाइनटीन नाइनटी वन फोर्स इंडिया फॉर फाइनेंशियल हेल्प फ्रॉम आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक हमारी कंट्री में क्राइसिस होने लगी थी जो कि इंडिया को मजबूर कर रहे थे फाइनेंशियल हेल्प लेने के लिए फ्रॉम दी आईएमएफ आईएमएफ क्या होती है हमारी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एंड वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक का रियल नेम क्या है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो कि जिसको हम आम भाषा में वर्ल्ड बैंक बोलते हैं लेकिन इसको क्या कहते हैं इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट आई बी आर डी तो उस टाइम पे हमारी जो गवर्नमेंट थी उसने सेवन बिलियन डॉलर्स वर्ल्ड बैंक से उधार लिए एज़ अ लोन उन्होंने लोन लेके कर सैवन लिए लेकिन उन्होंने जब लोन दिया तो उन्होंने कहा कि हम आपको लोन दे देंगे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हम आपको लोन दें लेकिन आपको अपनी इनकम बढ़ाने के लिए अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस हटाने पड़ेंगे तो पहली जो वो थी रिस्ट्रिक्शन उन्होंने कहा कि रिमूविंग रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर आप प्राइवेट सेक्टर पे से जितनी भी आपकी ये रिस्ट्रिक्शंस हैं वो आप हटाएंगे। लाइसेंसी उनको इतना सपोर्ट नहीं था बहुत सारा उनको यू नो लीगल वर्क उसमें ही वो इतने उलझा उलझ जाते थे सेकेंड पॉइंट था रिड्यूसिंग द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी एरिया अब मैंने आपको बताया कि सब कुछ गवर्नमेंट के हाथों में था उस टाइम सब कुछ पब्लिक सेक्टर के हाथों में था प्राइवेट सेक्टर के हाथों में नहीं था उन्होंने इसलिए कहा कि आप अपनी गवर्नमेंट को कम कीजिए आप प्राइवेट सेक्टर को भी मौका दीजिए उनको भी अपॉर्चुनिटीज़ दीजिए इक्वली जिससे कि आपकी ग्रोथ हो सके थर्ड उन्होंने कहा कि रिमूविंग ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस आपने जो ट्रेड पे रिस, रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी है जो टैरिफ लगा रखे है कोटास लगा रखे हैं टैरिफ कोटास बताए थे ना आपको कि एक लिमिटेड क्वांटिटी में ही इंपोर्ट आएगा और टैक्स लग, टैक्स लगेगा तो आपको वो हटाना पड़ेगा सो दैट कंपटीशन आपकी कंट्री में आएगा आप एफिशिएंट मतलब आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी फिर बोलते हैं ना कि जब तक तो कंपटीशन नहीं होता हम अपना बेस्ट नहीं दे पाते तो इसलिए ये ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस जो थी उस टाइम पे हटाई गई और इंडिया ने इन तीनों मांगों को पूरा किया और उन्होंने इन तीनों रिस्ट्रिक्शंस uh, जो थी प्राइवेट सेक्टर के ऊपर उन्होंने हटा दी अब हम पढ़ते हैं द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इंट्रोड्यूस्ड इन नाइनटीन इट वॉज़ अनाउंस टू क्रिएट अ कॉम्पिटिटिव इन्वामेंट इन द इकॉनमी रिव्यूम बैरियर्स टू एंट्री यानी ग्रोथ ऑफ द फॉर्म्स इसमें यह कह रहा है कि न्यू इकॉनमिक पॉलिसीज़ यानी कि न्यू सेट ऑफ पॉलिसीज़ विच हैल्पस इन द ग्रोथ ऑफ़ इकॉनमी इसमें ये कहा गया था कि इन्होंने जो बैरियर्स थे जितने भी हमारी प्राइवेट सेक्टर पर उन्होंने उनको हटा दिया उन्होंने न्यू जो हमारी जो एम कह सकते हैं आप या फिर जो हमारी इंटरनेशनल कंपनीज थी उनको कहा ठीक है आप आओ हमारी कंट्री में आप करो अपना काम सो so दैट हमारी जो कंट्री थी वो कंपटीशन फेस करेगी और अगर कंपटीशन फेस करेगी तो वो अपना बेस्ट देगी और उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होगी ही होगी तो उसके लिए कुछ मेजर्स लिए थे जिनके दो मेजर्स लिए थे उनके नाम है स्टेबलाइजेशन मेजर एंड स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मेजर्स जो हमारे स्टेबलाइजेशन रिफॉर्म्स थे उनको मेजर्स थे जो सॉरी मेजर्स थे जो वो शॉर्ट टर्म्स के लिए थे वो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं थे इसमें ये था इसमें ये कहा गया है कि हम जो है सफिशेंट फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे हैं उनको हम सफिशेंट करेंगे अपने पहले हम उनको मेंटेन करेंगे और जो हमारी बी की जो हमारी वीकनेसेस है उनको हम सही करेंगे बी में क्या था वो क्या बताया था मैंने आपको डिफिक्ट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या बताया था कि पेमेंट ज़्यादा हो गई थी और रिसिप्ट कम हो गई थी इम्पोर्ट इम्पोर्ट ज़्यादा जा, इंपोर्ट हो गया था एक्सपोर्ट कम हो गया था तो उन्होंने कहा इसमें इस मेजर में हमने इम्पोर्ट कम किया सेकेंड में क्या है कंट्रोलिंग इन्फ्लेशन बाई कीपिंग राइजिंग प्राइस कंट्रोल प्राइसेस को कंट्रोल करना है हमारी जितनी भी प्राइसेस थी जो बढ़ रही थी महंगाई हो रही थी उसको हमें इसमें कंट्रोल करना था सेकेंड दिया है स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स मेजर्स इसमें यह कहा है कि ये हमारी लॉन्ग टर्म मेजर्स थे जो हमें लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा देते थे ये हमारे थे शॉर्ट टर्म जो हमें शॉर्ट टर्म के लिए फ़ायदा देते थे तो इसमें ये कहा है इम्प्रूविंग एफिशेंसी ऑफ द इनकम इकोनमी इसकी वजह से स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की वजह से हमारी जो इकोनॉमी थी वो उसकी एफिशिएंसी जो थी वो इंक्रीज हो जाती थी एफिशिएंसी क्या बोलते हैं एफिशिएंसी उसको बोलते हैं कि अपने बिजनेस में पढ़ा होगा ना कि कम कॉस्ट में काम करना कम टाइम में काम करना उनको एफिशिएंटली बोलते हैं ना एफिशिएंट और एफिशेंसी इफेक्टिव सॉरी इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी तो वो वाला है ये इंक्रीजिंग इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस ये भी बताया मैंने कि एम आएंगी दूसरी कंट्रीज की वो आएंगी कंपनीज आएंगी तो कंपटीशन बढ़ेगा कंपटीशन बढ़ेगा तो लोग अपना बेस्ट देंगे बेस्ट देंगे तो इकोनॉमी बढ़ेगी तो इसमें ये पूरा अब तक मैंने जो आपको करवा दिया है क्या है पहले इकोनॉमिक रिफॉर्म्स रीजन फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स फिर हमने पढ़े क्राइसिस ऑफ नाइनटीन जो कि हमारी इंडिया को फाइनेंशियल हेल्प लेने पे मजबूर किया था फिर था हमने इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ी थी अब हम मेन आते हैं अपना लिबरलाइजेशन पे आई होप दिस इज विजिबल टू ऑल यस लिबरलाइजेशन पहले आप ये जाने कि लिबरल का मीनिंग क्या होता है हाँ जी लिबरल का मीनिंग होता है फ्रीडम इसमें यह कहा है रेफर्स टू रिमूवल ऑफ एंट्री एंड ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस ऑन द प्राइवेट सेक्टर इसमें ये कहना चाहता है कि जो फ्रीडम है वो आप दो प्राइवेट सेक्टर को क्योंकि प्राइवेट सेक्टर नहीं था इतना ओपन uh, मतलब उसकी ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं थी हमने पढ़े थे ना पिछले चैप्टर में स्कैड्यूल ए बी सी ए में वो आती थी जिन्हें गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी बी में भी वो आती थी गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी उन कंपनीज़ को पहले में थी आई थिंक सेवन सेवेंटीन थी सेकेंड में ट्वेल्व इंडस्ट्रीज़ थी जो गवर्नमेंट ही कंट्रोल करती थी लेकिन आ, जो प्राइवेट सेक्टर के कुछ प्राइवेट सेक्टर थी वो उसमें इन्वेस्ट कर सकती थी जितना भी उनसे होता था और जो थर्ड में थी वो जो बच्ची होती थी हमारी जो वो प्राइवेट सेक्टर आ, रन करता था उनको बट उसमें भी गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता था तो इसमें क्या आया गया है कि लिबरलाइज़ कर दो भाई सबको मतलब फ्री कर दो जो प्राइवेट सेक्टर है उसको फ्री कर दो बिल्कुल उस पर जितने भी रिस्ट्रिक्शंस है उस पर जितने भी आपने एंट्री के जितने भी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे सब को हटा दो तो ये चीज़ हुई थी उस टाइम पे इसके पॉइंट्स दिए हुए हैं बुक में अगर आप देखें तो इसमें पॉइंट्स दिए हुए लिबरलाइजेशन इन्वॉल्व डी रेगुलेशन एंड रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल एंड ग्रेटर ऑटोनॉमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट टू मेक इकोनॉमी मोर कॉम्पिटिटिव इसमें कहा गया है कि जो गवर्नमेंट का वो था कंट्रोल था उसको थोड़ा कम करा गया ख़त्म नहीं करा पर कम करा और फ्रीडम दी गई इन्वेस्टमेंट करने की पैसा लगाने की ताकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत ज़्यादा थोड़ी तो बहुत नहीं एक एक साथ तो इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा लेकिन उसमें कॉम्पिटिटिवनेस आ जाए तो इसके बाद हम पढ़ेंगे द पर्पज़ ऑफ़ लिबरलाइजेशन वॉज हमने लिबरलाइजेशन क्यों लगाया उसका क्या पर्पज़ था पहला पर्पज़ था कि कॉम्पटिशन आए हमारी जो नए एफिशेंसी बढ़े दूसरा था कि हमारी जो प्राइवेट सेक्टर की पोटेंशियल है वो बढ़े अब इसके बाद हम लिबरलाइजेशन में फाइव टाइप्स की रिफॉर्म्स पढ़ेंगे विद डिटेल जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी पहली है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म जो इंडस्ट्री से रिलेटेड है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स जो हमारी फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड है यानी कि पैसे से टैक्स रिफॉर्म जो हम टैक्स के बारे में पढ़ेंगे फॉरेन एक्सचेंज जो हमारे इंटरनेशनल कंट्रीज़ uh, के साथ या फिर हमारा जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसके बारे में पढ़ेंगे फिर फिफ्थ हमारी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमने क्या क्या पॉलिसीज़ बनाई क्या ट्रेड ट्रेड uh, से रिलेटेड सो इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स में आपको न्यू वीडियो में जो हमारी नेक्स्ट होगी नेक्स्ट पार्ट में आपको बना के डाल देख लेना आप थैंक यू